मेरे प्यारे साथियों, आज हम अलजेब्रा के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इस चैनल का नाम है वाईफाई एग्ज़ाम आईक्यू। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहला फार्मूला हम आपको बताते हैं, x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू अगर k लिखा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो। यहाँ पर क्या है, वन की पावर है। अब आपको निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान, तो इसका सूत्र होता है के स्क्वायर माइनस टू। के की जगह में जो वैल्यू रखी होगी वो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। जब यहाँ प्लस होता है, इस जगह पर जब प्लस हो तो आप क्या करेंगे, के स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब निकालनी हो तब। अब यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है एक्स माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर निकालने के लिए के स्क्वायर प्लस टू करते हैं। देखिए, इसमें भी आपका यही निकाला गया प्लस वाला, और इसमें भी प्लस वाला निकाला गया, लेकिन यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, के स्क्वायर माइनस टू कर देंगे। यहाँ पर अगर माइनस है तो इधर पर प्लस कर देंगे, के स्क्वायर प्लस टू कर देंगे। ये दोनों फार्मूले तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इनका। अब ये दो दो अगले फार्मूले हैं, इनको तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू के, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब का मान निकालना है, तो के क्यूब माइनस थ्री के। ठीक, जब आपसे प्लस वाला पूछा जाए तो के क्यूब माइनस थ्री के, और जब माइनस वाला पूछा जाए एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा, के क्यूब प्लस थ्री के। और ये वैल्यू अगर दी हो, ठीक है, एक्स माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू के दिया हो तब। ओके, चलिए नेक्स्ट फार्मूला है, एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू के दिया हो, वो आपको निकालना है एक्स माइनस वन अपान एक्स, ठीक है, ये प्लस है, यहाँ माइनस के रूप में अगर निकालना हो तो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है, जो माइनस का आपको निकालना है तो के स्क्वायर माइनस फोर कर देंगे। ये दिया है एक्स माइनस वन अपान एक्स का मान, आपको निकालना है एक्स प्लस वन अपान एक्स का मान, तो आपसे प्लस वाला पूछ रहा है, तो इसमें रूट के स्क्वायर प्लस फोर, रूट के स्क्वायर प्लस फोर। ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा एक कागज़ पे, लेकिन जैसे ही मेरे आप सारे वीडियो देखेंगे तो वहाँ जब एक एक फार्मूले का एक एक क्वेश्चन देखेंगे तब आपके दिमाग में वो चीज़ बैठेगी। आप सोचें कि हम एक तरफ से पूरे फार्मूले याद कर लें तो वो कभी याद नहीं हो पाएंगे, ठीक है, फिर भी आप नोट करके रखेंगे और जिस फार्मूले की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ एक एक करके हम सीखते जाएंगे हर प्रश्न के एग्जाम्पल के द्वारा। अब देखिए, ये दो फार्मूले और हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, तो आपको निकालना है एक्स प्लस वन अपान एक्स। अब यहाँ उल्टा निकालना है, यहाँ टू की पावर दी है और यहाँ वन की पावर के रूप में निकालना है, यानी कि पावर घट गई, पावर घटेगी तो फिर रूट के प्लस टू, इसका फार्मूला हो जाएगा रूट के प्लस टू। जब प्लस का निकालेंगे तो रूट के प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू के दिया हो, और अब निकालना है एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन अपान एक्स, तो रूट के माइनस टू, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये दिया है एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू वन दिया हो, तो एक्स क्यूब बराबर माइनस वन होता है, ये फार्मूला याद कर लीजिए। एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू माइनस वन दिया हो तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर प्लस वन, ठीक है। यहाँ पर अगर प्लस वन हो तो यहाँ हो जाएगा माइनस वन, एक्स क्यूब का मान, यहाँ अगर माइनस वन है तो एक्स क्यूब का मान प्लस वन हो जाएगा। इसी को पक्षांतर करेंगे इस समीकरण से तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन बराबर जीरो, इसको करेंगे सॉल्व एक्स क्यूब माइनस वन बराबर जीरो। अब अगला फार्मूला देखिए, ये दोनों एक जैसे हैं, एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू रूट थ्री दिया हो, क्या दिया हो, रूट थ्री, तब एक्स की पावर छः बराबर माइनस वन, ये होता है एक्स की पावर सिक्स बराबर माइनस वन, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसके बाद ये दो क्वेश्चंस का बहुत यूज होता है, इसको कैलकुलेशन करना पहले से आप लोग सीख लीजिए। जैसे ये दिया है रूट सेवन, रूट सेवन प्लस रूट फाइव अपान रूट सेवन माइनस रूट फाइव, ये दिया है रूट सेवन माइनस रूट फाइव और रूट सेवन प्लस रूट फाइव। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे देखिए, तो ये है ए माइनस बी,
और ये है ए प्लस बी, तो सूत्र बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 5 यानी 2 आ जाएगा नीचे। और वो एलसीएम लेके और फिर बाद में इसको सीधे तरीका ये जान लीजिए, ये होता क्या है, इसका करणीय गुणा कर देते हैं और नीचे एलसीएम ले लेते हैं, इसको कुल मिला के सॉल्व करना है एलसीएम लेके। तो एलसीएम तो आ जाएगा √7 माइनस √5 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में भी √7 प्लस √5, और जब इसका और इसका दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा कैलकुलेट करके करेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ करणीय गुणा करके देखिए, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर और प्लस √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर और प्लस √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो जब इसको खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर भी क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर 2a² + 2b² आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे नीचे वाला, और a क्या है √7, b क्या है √5, ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला जो एलसीएम में आएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा a² + b², तो √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5, तो 7 + 5 = 12, ये डायरेक्ट आ जाता है, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर देखिए इस वाले सूत्र में देखिए, यहाँ प्लस था अब यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 - 2 = 1, यानी नीचे तो 1 हो गया, ये कैंसिल इसकी समस्या, अब इनको करनी गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर जब करेंगे, और ये हो जाएगा -√3 - √2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा a² + b² + 2ab, और माइनस में -a² - b², और जो -2ab होता है ना वो प्लस हो जाएगा, तो a² से कैंसिल हो जाएगा, b² से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2ab और 2ab, तो ये दोनों का, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 4ab, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और a की जगह √3, b की जगह √2, और नीचे जो आएगा 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 4√6, इस तरह से माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है, a की वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू क्या दिया है, √5 + 1/√5 - 1 ये दिया है, b की वैल्यू √5 - 1/√5 + 1 ये दिया है, यानी कि इसको आप देख रहे हैं, a को विपरीत अगर कर दें तो b का मान आ गया, ये क्या लिखा हुआ, 1/a लिखा है, ठीक है, b बराबर यानी 1/a। अब यदि हम इसको, आपको फाइंड आउट करना है ये वैल्यू को, a² + b² + ab, a² + b² - ab, ये वैल्यू आपको निकालनी है, इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को लिख लीजिए, a² + b² + ab एक तरफ, ये हो गया, अब इसमें आपको क्या करना है कि b की वैल्यू को 1/a कर लीजिए, तो ए स्क्वायर ये है ही है, बी स्क्वायर को 1/a लिख लेंगे तो 1/a² हो जाएगा, इसी तरह b का वैल्यू 1/a रख दीजिए, बाकी सब सेम वही है, ठीक। अब a और b, ये जो a b आप मान निकालोगे, तो a का ये है और b का ये है, a ये है b ये है, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, a b का मान क्या आ जाएगा, 1, ये तो क्लियर हो गया कि a b का मान 1 होगा। अब क्या करना है हमें, a प्लस बी की ज़रूरत पड़ेगी क्या, यानी कि ये जो ए स्क्वायर, ये आपको वैल्यू अगर निकालनी है a² + 1/a² का मान, तो आपको पता होना चाहिए a + 1/a का मान पता होना चाहिए, तो a + 1/a का मान निकालना है, तो 1/a को बी कह, बी यहाँ पर है, बी को ही 1/a लिखा गया है, तो ये हो जाएगा a + b, यानी कि इन दोनों को हम ऐड कर दें, इस वैल्यू को इस वैल्यू को, तो a + 1/a आ जाएगा, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो देखिए ये आएगी वैल्यू,
ऐड करके देख लीजिएगा, तो नीचे तो एलसीएम आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम रूट फाइव माइनस वन, रूट फाइव प्लस वन, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, फाइव माइनस वन यानी फोर आएगा नीचे। फिर इसके बाद करनी गुणा करके देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, टू ए बी और टू ए बी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ए की जगह में है रूट फाइव तो फाइव यहाँ आ जाएगा और बी की जगह में वन, फाइव प्लस वन सिक्स, टू इंटू सिक्स यानी दो छक्के बारह, बारह बटे चार यानी चार तीया बारह, थ्री आ जाएगा ए प्लस बी की वैल्यू। ठीक है, अब ए प्लस बी की वैल्यू आपको थ्री प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर आप पता है ये क्या प्राप्त हुआ आपको, ए प्लस वन अपान ए की वैल्यू आपको थ्री मिल गई। तो ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर निकाल सकते हो ना के स्क्वायर माइनस टू से, इस वैल्यू को के स्क्वायर माइनस टू से निकाल सकते हो, इसको भी के स्क्वायर माइनस टू से निकाल सकते हो, के बराबर क्या है यहाँ थ्री है, तो तीन त्रिकाई नौ में से दो गए सात, तो ये आ जाएगा सात प्लस ए बी का मान वन है, सात प्लस वन, नीचे आ जाएगा सात माइनस वन यानी सिक्स, तो ये आ जाएगा एट बाई सिक्स, दो चौक आठ, दो तीय छः यानी कि चार तीन आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा है कैलकुलेशन, लेकिन एक बार आप समझ लेंगे माइंड में कैलकुलेशन कर लेंगे तो फिर आगे दिक्कत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फोर बी स्क्वायर प्लस वन अपान बी स्क्वायर इजक्ल टू टू दिया है वैल्यू, आपको निकालना है एट बी क्यूब प्लस वन अपान बी क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करेंगे इसको मित्रों, आप लिख सकते हैं एट बी को टू बी का होल क्यूब प्लस वन अपान बी का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि इस रूप में आना चाहिए मान, टू बी प्लस वन अपान बी आना चाहिए यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, टू बी प्लस वन अपान बी लाने के लिए टू बी प्लस वन अपान बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसको सॉल्व करिए, तो ये वैल्यू तो ये ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और ये वैल्यू आपको दी गई है दो, तो यहाँ तो दो रख दीजिए इसको, और यहाँ बी ओ बी कैंसिल हो जाएगा, दो दूनी चार, चार और दो कितने हो गए छः, यानी कि ये आपको वैल्यू पता चल गई है इतने बराबर छः। तो आपको टू बी प्लस वन अपान बी कितना हो जाएगा, टू बी प्लस वन अपान बी हो जाएगा रूट सिक्स, टू बी प्लस वन अपान बी बराबर क्या हो जाएगा रूट सिक्स। अब आपको निकालना है क्यूब के रूप में, यहाँ पर देखिए ये क्यूब के रूप में आपको निकालना है एट बी क्यूब प्लस वन अपान बी क्यूब। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्यूब करने पर ये ए है ये बी है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी बराबर, इसका क्यूब करेंगे तो सिक्स रूट सिक्स आ जाएगा। ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको बचाए रखिए और बाकी सब भगा दीजिए यहाँ से, ये बी बी कैंसिल हो जाएगा, दो तीन छः आ जाएगा, तो ये आ गया छः, और इसको आप टू बी प्लस वन अपान बी, ये छः इसका मान क्या है रूट सिक्स है, तो इसकी जगह में रूट सिक्स लिख दिया, छः रूट सिक्स और ये वाला छः रूट सिक्स, तो इस पूरे वैल्यू को पक्षांतर के बाद भेज दीजिए, तो छः रूट छः माइनस छः रूट छः इसका मान क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, इफ़ ए प्लस वन अपान बी इजक्ल टू वन, ए प्लस वन अपान बी इजक्ल टू वन, बी प्लस वन अपान सी इजक्ल टू वन, सी प्लस वन अपान ए की वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ पर हम कौन सी ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें कि वो संतुष्ट होती हैं समीकरण को में रखने पर, तो यहाँ ए को हम मान लेते हैं वन बाई टू, बी को मान लेते हैं टू, तो ये आधा आधा क्या मिल के हो जाएगा एक, सी को हम मान लेते हैं माइनस वन, बी का मान तो है ही है टू, तो ये टू और माइनस वन यानी वन आ गया, ये भी समीकरण संतुष्ट हो रहा है। अब आपको सी का मान माइनस वन रख दीजिए और ए का मान वन बाई टू रख दीजिए, तो ये टू माइनस वन बराबर वन आ जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा वन।
ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू फाइव दिया है ये वैल्यू, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें क्या करेंगे हम, अंश और हर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। इसमें जब भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर से इसमें भाग देंगे तो थ्री एक्स बचेगा, इसमें एक्स स्क्वायर से भाग देंगे फाइव बचेगा, थ्री अपान एक्स बचेगा, वन अपान एक्स स्क्वायर बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, इसमें भाग देंगे एक्स स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वन अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर तो आप निकाल सकते हो के स्क्वायर माइनस टू से, क्योंकि ये वैल्यू दी गई है एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर फाइव है, फाइव मतलब के, फाइव मतलब के, तो ये के स्क्वायर माइनस टू यानी पाँच पचास पच्चीस माइनस दो यानी तेईस, ये तो ये हो गया। अब इन दोनों में थ्री कामन है तो थ्री कामन ले लीजिए, और बचेगा एक्स प्लस वन अपान एक्स, उसका मान है फाइव, तो ये फाइव आ गया, तीन पचे पंद्रह, और ये प्लस फाइव यहाँ रख ही दो। ठीक है, अब देखिए आप पच्चीस माइनस दो, और ये इसका मान क्या हो गया, पच्चीस माइनस दो के स्क्वायर माइनस टू, और इसका मान हो गया तीन पचे पंद्रह, और ये पाँच तो है ही है लिखा है, और ये इसका मान के स्क्वायर माइनस टू यानी पाँच पचा पच्चीस माइनस दो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो तैंतालीस बटे तेईस आ जाएगा आंसर, दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वाईफाई एग्जाम IQ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी इन्हीं अलजेब्रा के क्वेश्चन के साथ। ठीक है। अभी दोस्तों थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको भी हम कवर कर लें। ठीक है, चलिए देखते हैं। x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है फाइव, x प्लस वाई का मान फाइव फिफ्टीन दिया है, तो x माइनस टेन, एक्स माइनस टेन, एक्स माइनस टेन क्यूब वाई माइनस फाइव क्यूब बराबर क्या होगा। ये मान अगर जीरो के बराबर होगा तब तो x माइनस टेन बराबर जीरो रख पाओगे तो x का मान टेन आएगा, y माइनस फाइव बराबर जीरो रख पाओगे तो y का मान फाइव आएगा। ठीक है, ये दो मान आ गए। अब ये दोनों मान इस समीकरण में रखिए, देखिए समीकरण संतुष्ट हो रहा है कि नहीं, तो यह आ जाएगा दस धन पाँच बराबर पंद्रह। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन बराबर जीरो, और आपको ए की पावर नाइन का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये लिखा हुआ है, ये किस फार्मूले में होता है, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अगर इसमें ए माइनस बी का गुणा कर दिया जाए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, मतलब ये किस फार्मूले में आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले में। ए की जगह में क्या है ए, और बी की जगह में क्या है वन, बी की जगह में क्या है वन, तो ए क्यूब माइनस बी की जगह में वन, ए क्यूब माइनस वन क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए माइनस वन, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए, ये आ जाएगा। ये वैल्यू आपको दी गई है, ये वाली वैल्यू आपको दी गई है जीरो है, ये जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस वन बराबर जीरो, ए क्यूब बराबर वन, तो ए की पावर नाइन बराबर वन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स की पावर ट्वेंटी फोर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर सेवन, आपको ये वाली वैल्यू पता करनी है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए तो एक्स की पावर बहत्तर बटे एक्स की पावर छत्तीस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर छत्तीस प्लस वन अपान एक्स की पावर छत्तीस, ये आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो यह आ जाएगा एक्स की पावर ट्वेल्व, और यह आ जाएगा वन अपान एक्स की पावर ट्वेल्व बराबर सेवन। ठीक है, अगर हम इस समीकरण का इस समीकरण को क्यूब कर दें, घन कर दें, तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, तो घन यही आपको निकालना है। तो घन करने पर तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी है, थ्री ए बी और प्लस ए बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी में ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा थ्री,
और इसका मान क्या है, इसका इसकी वैल्यू ये ऊपर दी है 7, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 7, ये 7 दिया है इसकी वैल्यू, तो ये 7 रख दीजिए, और 7 दिया 21, और ये 21 को उस तरफ ले जाइए तो 343 में 21 को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका x की पावर 36 प्लस 1 अपान x की पावर 36 का मान आ जाएगा 322। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0, ये कई वीडियो में हमें ये क्वेश्चन बता चुके हैं इस तरह। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों पक्षों में यहाँ पर x से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस 4, यहाँ बचेगा माइनस 1 अपान x, तो x माइनस 1 अपान x बराबर ये माइनस 4 जो बच रहा है बराबर के बाद भेज दीजिए तो 4 आ गया, यानी x माइनस 1 अपान x इक्वल टू k, k की जगह में है 4, ये प्राप्त हो गया। अब आपको ये निकालना है, तो मैंने आपको बताया था एक तो होता k स्क्वायर माइनस 2, एक तो होता k स्क्वायर प्लस 2, लेकिन यहाँ पर जब माइनस हो तो फिर क्या होगा कि इसका मान k स्क्वायर प्लस 2, तो k की जगह में है 4, तो k स्क्वायर प्लस 2, 4 चौका 16 प्लस 2 बराबर 18, 18 आंसर आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1 अपान x का होल स्क्वायर बराबर 3, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं x माइनस 1 अपान x बराबर रूट 3, ये आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आपको ये वाली वैल्यू पता करनी है, x की पावर 6 प्लस 1 अपान x की पावर 6। देखिए आपने जो पढ़ा है कि x प्लस अगर यहाँ होता, x प्लस 1 अपान x इक्वल टू रूट 3 हो, तो हमने आपको बताया था x की पावर 6 बराबर, x की पावर 6 बराबर क्या होता है माइनस 1, यही तो बताया था, लेकिन यहाँ पर है x माइनस 1 अपान x, इसलिए ये लागू नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले इसका करिए वर्ग दोनों पक्षों का, इस समीकरण में दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, तो वर्ग वर्ग ना करिए, सीधे आप ये निकालिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू, आपको यहाँ प्लस चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप निकालिए। ये सूत्र में क्या होता है के स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, के स्क्वायर प्लस 2, और ये है के का मान रूट 3 स्क्वायर प्लस 2, तो 3 और 2 5, ये आ गया। अब इसके बाद देखिए इसी का आप क्यूब कर दीजिए इस वाले समीकरण का, इसका जब क्यूब करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, क्यूब करने पर क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, के क्यूब माइनस 3 के क्यूब माइनस 3 के, तो ये देखिए जब पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 दूनी 6, यही चीज़ आ जाएगी, और के क्यूब के क्या है अब है 5 है यहाँ पर के, तो 5 पचास 25 पंचे 125 माइनस 5 या 15, 125 में 15 गए 110, यानी आंसर क्या आ जाएगा 110। चलिए तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर तरीके का हम क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे इस चैनल के माध्यम से। आपको कहीं कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता, अदर ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, थैंक यू।